उसने अपनी कमरिया को झटका दिया तो सारे इंसान टूट फूट गए और उसे कोई नहीं हरा पाया। वो सच में इतना ताकतवर है? और आज तक जितने भी ताकतवर हाथी नजर आते हैं ना, सब इसी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन हमें इसे पकड़कर बहादुरी का झंडा फड़काना होगा, तभी तो हमें अम्मा घर में लेगी। अप्पा, हमें इसकी बहादुरी की कहानी भूलकर इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। याद है ना अम्मा ने क्या कहा? कौन हमेशा सामने से हमला करना चाहिए, इससे वो अपनी कमर का कमाल हमें नहीं दिखा सकता। ये ले, हमारे सारे हथियार खत्म हो गए। कौन? खत्म हो गए। बाल बाल बचे वरना बाल और खाल भी नहीं बचते। उस हाथी पर पत्थर और तीरों का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके बारे में जो कहानियाँ सुनी है वो सब सच है, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। गॉन, चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। मैं ढूंढ चुका हूँ अपा, लेकिन मेहमत के अलावा यहाँ कोई जानवर भटक ही नहीं रहा। अच्छा तो ठीक है, हम कल शिकार कर लेंगे। पर पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात, मजा आ गया। तुम बिल्कुल तैयार है ना तूती चैन? पाओस मेहमत को यहाँ लेकर आएंगे और तुम उस पत्थर को नीचे गिरा देना, समझ गए? समझ गया। पत्थर को तभी नीचे गिरा देना जब अप्पा वहाँ से आते हुए नजर आए, ठीक है? ठीक है। गॉन, तैयार हो जाओ। तोते चैन, पत्थर नीचे गिरा दो। ये लो। तोते चैन, क्या कर रहे हो? गॉन, जल्दी करो। तोते चैन, गॉन जल्दी करो वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो तोते चैन। अरे अब क्या तुम लोग मेरा ही शिकार करवाओगे? अप्पा। लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। उड़ चला क्या? अपनी मशीन में दोबारा घुस जाता हूँ, फिर मुझे ये नहीं ले जा पाएगा। चलो बच गया। सॉरी अप्पा, हमने आपको आते हुए देख लिया था, लेकिन ये पत्थर हमसे हिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना। ठीक है, वरना शिकार करने की जगह मेरा ही शिकार हो जाएगा। अरे ये क्या जा रहे तुम? वो तो वापस आ रहा है। ये तो पीछे पड़ गया है। ये
मुझे लगता है कि नदी में गिरने से उसके पैर में चोट लग गई है। उसका शिकार करने का यही अच्छा मौका है। गॉन, रुक जाओ। अब्बा, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। हम चोट लगे जानवर का शिकार नहीं कर सकते। जानते हो, ये शिकार के नियम के खिलाफ है। लेकिन हम खाने में क्या खाएंगे? और अम्मा भी हमें चिल्लाएंगी। हम भूखे पेट रहकर अपने कान में रुई डाल लेंगे। जैसे को तैसा। ये तुम क्या कर रहे हो, दिखाई नहीं देता क्या? अगर मेरा कोई पुर्जा ढीला हो जाता तो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जानते हो ना? मौसम मेरे इशारों पर बदलता है, क्योंकि मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। पिछले गांव में मैंने लोगों को उल्लू बनाकर खूब मजे किए थे और खाने में भी मस्त मस्त चीजें खाई थी। ऐसा ही कोई चक्कर यहाँ भी चलाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ ऐश कर सकूँ। फंस गए। मैंने एक और मछली पकड़ ली। देखो तोते चे। चलो अब तुम एक बड़े वाले एक्स्ट्रा लार्ज मेढक बन जाओ। ये वाला नहीं घोंचू, बहुत बड़ा वाला। जब तुम्हारी ताकत के बारे में लोगों को पता चलेगा तो तुम इस गांव में वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। बहुत खूब, ये हुई ना मेढक वाली बात। अब देखो मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। तोते चन, देखो मछली ब्रेक डांस कर रही है। भांगड़ा कर रही है। अरे मूर्खो, पहचाना मुझे? कहाँ से आया, कौन हूँ मैं? चलो तोते चन, अब हम घर चलते हैं। घर में आराम से मछलियों की ताता थे ये देखेंगे। ठीक है, चलो चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। मेरे अप्पा ने मुझसे कहा था तुम झील से मछली पकड़कर सीधे घर आना, किसी अरे गरे के चक्कर में पड़कर चकरा मचाना, समझे? नहीं 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 नहीं, मेरी बेइज्जती इतनी खराब मत करो, आज तक किसी ने नहीं की। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, मैं इस झील का भी मालिक हूँ। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था, अगर कोई अकल से पैदल आदमी तुम्हें मिले और वो बोले कि वो किसी झील का मालिक है, तो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने शीशे में अपना ही मुंह देखा था क्या? चलो घर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा। हाँ, बस यहीं पर दबाओ। यहाँ पर? अरे क्या बात है गॉन? मुझे एक आदमी मिला है जो कहता है वो झील का मालिक है। कहाँ है वो? बाहर। तो तू है झील का मालिक चंपू? इससे तमीज में रखकर बात करो, मैं झील का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास सबूत टाइप की कोई चीज है? हाँ बिल्कुल है। ये मेढक देख रहे हो, इसके पंख भी उग सकते हैं जिससे ये उड़ भी सकता है। ये सच है? इसका मतलब ये है कि ये सच में झील का मालिक है? आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ, इसे अपना ही घर समझिए। ओए चूजे, इस मेढक को कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखा है ये। तो चल, तुम्हें भी सच में लगता है ये आदमी झील का मालिक है? शक्ल से चोर लगता है। झील के मालिक को भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। जो हुकुम। सुनो, जल्दी से जाओ और इनके लिए कुछ खाना लेकर आओ। खाना है कहाँ? अरे हमारे पास थोड़ा सा शिकार बचा है ना, वो तो आने वाली सर्दी के लिए बचा कर रखा है। अब खाना धो के या मैं अपने पेट के चूहों को लोरी गाकर सुला दूं। ये लीजिए झील के मालिक। अरे वाह, लगता है काफी दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो मेरे बारे में तुम लोग गलत गलत बोलना बंद कर दो वरना। सॉरी, मुझे प्यास लगी है, मुझे जूस ला कर दो। हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मुझे फल ला कर दो। जी, अभी लाया। ये लीजिए। मेरे कंधों की मालिश करो। हाँ, और जूस दो। ये लीजिए। थोड़ा और दो। और लो।
ये यहाँ मजा कर रहा है और वो वहाँ। म्याँ इस मेंढक ने चांद को देखकर अचानक अपना पेट बजाना क्यों शुरू कर दिया? ये क्या चक्कर है? मेंढक कभी ऐसा नहीं करते, लगता है कुछ गड़बड़ है। तोते चिन दिखाओ अपना कमाल। अभी लूं। या 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 ये संभाल। अच्छा तो ये मेंढक नहीं बल्कि रकून है, इसका मतलब वो भी। कौन किया अप्पा? क्या हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो तो मुझे भी लगती है। ये हमारा सारा खाना खा गया और हम दोनों को इस तरह नचा रहा है। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे घर का मौसम बदल जाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चूहे मेरे लिए कुछ और खाने के लिए लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी इसका पेट भरता हूँ। हे रकून, अब से मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम वही करोगे, वरना मैं तुम्हें रकून से ककून बना दूंगा। सॉरी आपको इतना इंतजार करना पड़ा। ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मछली है, मजा आ गया। झील के मालिक को उल्लू बनाया? डॉन, इस सब का क्या मतलब है? अप्पा, ये आदमी कोई झील का मालिक नहीं है, ये बस एक मामूली चोर उचक्का है। ए? अच्छा तो ये बात है, तुमने मुफ्त में हमारा खाना खाया और नहीं तो क्या हुआ? हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा खाना तुमसे वसूल करेंगे। गॉन और उसके अप्पा मछलियाँ लेकर आते ही होंगे। अपने मन की आंखों से देखोगे तभी मछली पकड़ पाओगे। कैसा चल रहा है गॉन? ये धीरे धीरे सीख जाएगा, उसका क्या हाल है? बहुत दिनों से मेहमत बोर हो रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें नई फुटबॉल दे दी। ज्यादा मत हंसो, गिल्ली डंडा भी खेलते हैं। बचाओ, छोड़ दो मुझे। जानवरों का हीरो कौन? तोते चिन। कैसा है गॉन? हाँ, पहले टॉस तो कर ले। ठीक है। रॉक पेपर सीजर्स। रॉक पेपर सीजर्स। रॉक पेपर सीजर्स। रॉक पेपर सीजर्स। ओह, मैं हार गया। अरे गॉन हार गया। हार गया। चलो मैं गिनती गिनना शुरू कर रहा हूँ। एक, दो, तीन, चार। चलो छुपते हैं। आठ, नौ, दस, सब तैयार? अभी नहीं। अब तैयार हो? अभी भी नहीं। अब तैयार हो? हो। पता नहीं सब कहाँ जाकर छुप गए। बच्चे को बचा लिया। मैं चलता हूँ। तोते चिन, कौन? टॉन चिन। तोते चिन, कौन? टॉन चिन। कहाँ गए सब? हाँ?
ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। अब सिर्फ तोते चैन बाकी है। क्या बात है, जूस तो दिन ब दिन मजेदार होता जा रहा है। सही कहा। लग गई। ये क्या कर रहे हो गॉन? क्या हो गया तुम्हें गॉन? मुझे तोते चैन नहीं मिला। हाँ, तोते चैन मुसीबत में है। तोते चैन, क्या हो गया तुम्हें? वो देखो। हाँ? क्या कहा, तोते चैन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, उसने कोई अजीब सा फल खा लिया अप्पा। पर कौन सा फल खा लिया? ये वाला। अच्छा, ये खाया था? हाँ? मैं उसके लिए बहुत अच्छी दवाई बना देता हूँ। दवाई देने के बाद थोड़ा इंतजार करना और वो फिर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये लो दवाई, अब तोते चैन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जल्दी जाओ। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लग जाए तोते चैन, ऐसा मत करो। छोड़ दो, यहाँ से छोड़ दो मुझे। बहुत तो वो जहरीले फल की वजह से गुस्से वाला हो गया है, हम उसे दवाई कैसे खिलाएंगे? तो क्या करें? चिंता मत करो। ओ? मुझे पता है उसे कैसे खिलानी है दवाई। अब ये गई दवाई इसके पेट में। बेचारा तोते चैन, गॉन के अप्पा, वो ठीक तो हो जाएगा ना? चिंता मत करो, मैंने उसे दवाई दे दी है, अब वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वो बाहर आ रहा है। ये पहले से ठीक तो लग रहा है, लेकिन ये तो पिलपिला आम लग रहा है। कितना कमजोर लग रहा है। लगता है इसके लिए एक और दवाई बनानी पड़ेगी। डॉन, जरा थोड़ा दूध ले आना। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। तोते चैन ने इन साले जानवरों को कभी न कभी दूसरे खतरनाक जानवरों से बचाया था, इसलिए वो तोते चैन की मदद करने आए हैं। तोते चैन सच में कमजोर जानवरों का हीरो है, वो उन सबकी हमेशा मदद करता है। ना मैं हीरो। तोते चैन बन गया मोती। गॉन, जाओ जरा समंदर से थोड़ी सीपियां ले आओ, आज मैं खाने में नई तरह की सीपी बनाऊंगी। ठीक है, चलो तोते चैन। मैं तो एवर रेडी हूँ। मैं कितनी सुंदर, मैं कितनी प्यारी हूँ।
लेकिन मेरे समझ में नहीं आता कि मैं फूलों की तरह क्यों लगती हूँ। पीको चैन, अरे गौन और तोती चैन, तुम मेरे साथ खेलोगे? क्योंकि आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। टाइम नहीं है, है? हम सीपी इकट्ठे करने जा रहे हैं। सीपी? तुम हमारे साथ चलोगी क्या? जब समुद्र की लहरें किनारे पर आती है तो किनारे पर बहुत सारे सीपी बहकर आ जाते हैं। समुद्र के सीपी? मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सीपी मुझ पर कैसे लगेंगे। मैं तुम्हारे साथ सीपी इकट्ठे करने नहीं चलूंगी। मुझे सीपी नहीं मोती अच्छे लगते हैं। मोती मेरी सुंदरता में चार नहीं बल्कि 8 चांद लगा देते हैं। अगर तुम मोती इकट्ठे करने चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ गौन, तोते चैन, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम अपने ख्याली पुलाव पकाती रहो, मुझे घर में खाना पकाने के लिए सीपी लेने जाना है। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरह सुंदर फूलों के साथ खेलूंगी। क्या बात है, अरे वाह, क्या मस्त जगह है। कितनी ताजा हवा है। कर लो बात। चलो अब सीपी इकट्ठे करने चलते हैं। यहाँ पर खोता हूँ, यहाँ जरूर सीपी मिलेंगे। मिल गया। यहाँ पर खोता हूँ, यहाँ जरूर सीपी मिलेंगे। मिल गया। यहाँ पर खोता हूँ, यहाँ जरूर सीपी मिलेंगे। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। यहाँ पर भी मिलेंगे, यहाँ पर भी खोता हूँ। पहले सीपी नजर तो आए। तोते चैन, इधर उधर देखते से सीपी नहीं मिलेंगे। तुम भी खोदना शुरू कर दो, तभी तुम्हें सीपी मिलेंगे। जरा इधर तो देखो, कितने सारे सीपी हैं। अरे वाह तोते चैन, तुमने तो कमाल कर दिया। थोड़ा और खोदता हूँ, फिर मुझे और सीपी मिलेंगे। खोदता हूँ, खोदता हूँ, खोदता हूँ। देखो देखो, मुझे कितना बड़ा सीपी मिल गया है ना, कितना बड़ा तोते चैन। देखो और एक बड़ा सीपी मिला। तोते चैन, तुम ऊपर से इतना नीचे पहुंचकर क्या कर रहे हो? इसे कहते हैं सीपी। क्या बात है तोते चैन, ये तो सच में बहुत बड़ा है। तोते चैन, तोते चैन, बाहर निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं इसे खोलने की कोशिश करता हूँ। बाहर निकालो, अभी देखता हूँ। बाहर निकालो, खुल जा। बाहर निकालो, खुल जा, खुल जा, खुल जा। मेरा दम घुट रहा है। खुल जा, खुल जा, खुल जा। खोलो, 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 खोलो। क्या है? बचाओ, बचाओ, कोई बचाओ, 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 बचाओ। शुक्रेश, ये तो चला गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं तोते चैन, अब मैं क्या आइडिया लगाऊं? तोते चैन, अरे हाँ आइडिया, अगर हमें सीपी को गुदगुदी करे तो शायद ये खुल जाए। चलो तोते चैन, हम इसे एक साथ गुदगुदी करते हैं। ठीक है।
तुम कितने चमक रहे हो तोते चैन, इसका मतलब तुम जिस सीपी में बनते वो मोती बनाता था। तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं इतनी सुंदर कैसे हूँ? हाँ तोते चैन, तुम कितने चमक रहे हो, तुम मेरे बालों में लगाने के लिए बिल्कुल सही रहोगे। पीको चैन, मैं तोते चैन को बालों में लगाऊंगी, मुझे तोते चैन चाहिए। तोते चैन, आज तक मेरी समझ में नहीं आया आखिर ये ऐसा क्यों करती है। तोते चैन रुक जाओ, मैं तुम्हें अपने बालों में लगाऊंगी। इसे छतना नहीं ठीक था। इतने तारे जमीन पर, आज तो हमने छप्पर फाड़ मछलियाँ पकड़ी हैं। अब्बा मछलियाँ झोपड़ी में रहती है क्या जो छप्पर फाड़ कर पकड़ा? वही मैं सोच रहा हूँ, मछलियाँ पकड़ने के चक्कर में पता ही नहीं चला कब इतनी रात हो गई। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है हम किस रास्ते से जाए, बहुत अंधेरा हो गया है ना। तुम अपनी बची खुची अकल बचा के रखो गौन, वो नीला तारा देख रहे हो उसी तरफ हमारा घर है, बस उसी की सीध में चलते चलो। क्या बात है, मतलब आप तारों को देखकर रास्ता का पता लगाते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो दिमाग का कमाल है। तुम्हें याद है इस तारे के छांव में बैठकर ही तुमने मुझसे शादी की बात की थी। शादी के बाद हम उस छोटे से तारे के नीचे अपना छोटा सा घर बनाएंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे। तुमने बिल्कुल सही जगह चुनी है, तारा हमारे लिए निशानी बनकर रहेगा। ये तो मेरे दिमाग की एक्स्ट्रा समझदारी का कमाल है। क्या बात है अप्पा, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। हमें नहीं पता था। ऐसा मत कहो, मुझे शर्म टाइप की चीज आती है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी आती है। अरे वो देखो। अरे ये क्या हो गया है? हम दोनों के मिलने की निशानी गायब हो रही है। ओए तारे वही रहकर पहले की तरह चमकते रहो। अरे इतने सारे तारे जमीन पर। ये तो अम्मा और अप्पा वाला नीला तारा है, ये भी गिर पड़ा। तो अब हम क्या करें? ये सब क्या है? पीको चैन, मुझे ये तारे यहाँ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, इन्हें हटाओ। गौन, इन तारों से कहो ये यहाँ से चले जाए। क्या, ये क्या कह रही हो? सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? अप्पा अब हम क्या करें? फिलहाल तो हम इन्हें खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। ये लो केला खाओ, तुम रात भर आसमान में लटके लटके थक जाते होगे, केला खाओ ताकत आएगी। ये हमारे इलाके के सबसे बढ़िया केले हैं। अगर तुम्हें केले अच्छे नहीं लगते हैं तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वो बता दो। ये क्या था? देखो मैं डॉक्टर साहब को ले आया। अलबत्ता खलबत्ता उड़ा उड़ा के दे पटका, अलबत्ता खलबत्ता उड़ा उड़ा के दे पटका, अलबत्ता। ये क्या कर रहे हैं अप्पा? कुछ नहीं, तारों से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें वापस भेजा जा सके। लेकिन जब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं तो तारा क्या खाक समझेगा? अपने मुंह का ढक्कन बंद रखो। गलती से मिस्टेक हो गई। तो डॉक्टर आपकी समझ में क्या आया बताइए। मैं जो समझा वो तुम नहीं समझ पाओगे। ये तो समझ समझ कर फेर है। अब समझाने की कोशिश करता हूँ। जब जब भी तारे जमीन पर उतरे तब वो सबसे सुंदर लड़की का डांस देखकर ही वापस गए। सबसे सुंदर लड़की? सबसे सुंदर लड़की तो मैं हूँ, इस काम के लिए तो सिर्फ मैं ही ठीक हूँ। गौन में यूँ गयी और यूँ आई। मैं तैयार हूँ, अब म्यूजिक शुरू करो। ताली के म्यूजिक से काम चल जाएगा ना?
यहाँ तो अजीब चीजें हो रही है। लगता है तारों को उसका डांस देखकर चक्कर आ गए। तुम डांस मत करो। मुझे डांस करने से क्यों मना कर रहे हो? बेचारे तारों को ऐसी डांस करने की आदत नहीं है। पत्थर क्या जाने डांस क्या होता है। पीको चैन अरे तोते चैन तुम तैयार हो? बचपन से तैयार हूँ। ठीक है तो कूद जाओ। मैं आ रहा हूँ। जरा कस के बांधना कहीं ढीला ना रह जाए। अब इनको उड़ाते हैं। अरे नहीं 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 पापा अरे ये नहीं भाई। गॉन मुझे बचाओ। अप्पा। मैं उड़ रहा हूँ गॉन। अब तो मैं इन तारों को जमीन से आसमान में पहुंचा कर ही रहूंगा। अप्पा कुछ ज्यादा ही ऊपर पहुंच गए हैं। मुझे भी लगता है। गॉन जरा इसमें थोड़ी सी लकड़ियां और बांध देना। रस्सी थोड़ी छोटी रह गई। अब क्या करें? अरे क्या हुआ जल्दी करो। अरे और कितने ऊपर पहुंचाओगे मुझे? जल्दी से वहाँ हाथ लगाओ तोते चैन। अप्पा तारे को छोड़ दो वरना दिन में तारे नजर आएंगे। ठीक है। अरे गॉन की अम्मा हम आ गए। तो क्या तुम तारों को उनके पुराने पते पर वापस नहीं पहुंचा पाए? उनके चक्कर में हमारा पता लापता हो जाता। ये क्या हो गया? अरे वाह क्या बात है। वो देखो। अरे वो तो नीला तारा है। वही लगता है। अरे वाह नीला तारा। आप ठीक तो है ना अप्पा? हाँ ठीक ही हूँ। अरे यहाँ तो चारों तरफ केले के छिलके बिखरे हुए हैं। समझ गया। हाँ? वो सारे केले अकेले ही खा गए। लगता है केले खाने से उनकी बैटरी फिर से रिचार्ज हो गई। तीन थे बदमाश। अरे वाह इतने सारे फल। आहा क्या बात है ये भी भर लेता हूँ। ये भी वाह ये वाला भी अच्छा है। ये भी बहुत बढ़िया है। ये भी ले लेता हूँ। आहा ये भी और ये भी। उठा उठा के थक गया। बहुत बहुत भारी है। अरे फल का गए। अरे मत जाओ रुको। बड़ी मेहनत से उठाया था। कहाँ भागे जा रहे हो? रुक जाओ। अरे सारी मेहनत के फल पहाड़ से गिर गए। ओ मेरे सारी मेहनत पहाड़ से नीचे गिर गई। अब क्या करूँगा? ये बच्चा तो बहुत आसानी से हाथ लग जाएगा। तो फिर देर किस बात की? मौके पर बच्चे की मम्मी आ गई और बैंड बजा गई। मेरे पेट में हेडेक होने लगा है। और मेरे भी। और मुझे चक्कर आने लगता है। मुझे सिर्फ ऐश करना अच्छा लगता है। लेकिन इस भूखे पेट का क्या करें? काम करने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा। रुक जाओ।
मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बज गई घंटी, अब काम करने की नौबत नहीं आएगी। सही कहा, अब काम के टेंशन को हम पेंशन लेने भेज सकते हैं। अब मैं भी ऐश को कैश कर सकता हूँ। समझ नहीं आता वो जंगली तप्पीर कहाँ गायब हो गया। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे लिए कोई भी उल्टा या सीधा काम नहीं करूँगा। सुन बच्चे, अब तुम काम करोगे और हम बैठ कर खाएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं करूँगा। उसका इलाज भी है मेरे पास। आ गई अकल ठिकाने। चलो अब जल्दी से सारे फल इकट्ठा करो, जल्दी करो, खड़े क्या हो, शुरू करो। देख लूंगा इन्हें, बस एक बार मौका मिल जाए। ओए, फल खाने के लिए नहीं, इकट्ठा करने को कहा है। ये लड़का अपने दिमाग की बत्ती कुछ ज्यादा ही जला रहा है, फ्यूज उड़ा रहा है। मुझे लगता है हमें एक और की जरूरत पड़ेगी, उससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। ठीक कहा उस्ताद, काम हो जाएगा। कौन कहा गया, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे लगता है ये थोड़ा बेवकूफ है, लेकिन एक बार आजमाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही कहा। फंस गया हमारे फंदे में, मजा आ गया। मैं तो पतली गली से निकल लूं। लगा रे। ये लो। शाबाश, ये हुई ना बात। मैं हूँ क्या को? तोते चैन, तुम दोनों का ये हाल किसने बनाया है? हम इसे पकड़ना चाहते थे, इसलिए उस पर फंदा फेंका, लेकिन ये हमसे दमदार निकला और हमें ही पकड़ लिया। ये सच है। ठीक है, मैं समझ गया, मैं खोलता हूँ तुम्हारे साथी को। अब क्या हमें रेस में दौड़ाओगे? जल्दी खोलो उसे। तुमने कमाल कर दिया तोते चैन, अब मैं तुम्हें खूब सारे केले दूंगा। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। सही कहा उस्ताद, तुम दोनों एक नंबर के बेवकूफ हो। एक से सौ नंबर तक है। बकवास बंद करो, कितनी मुश्किल से पकड़ा था उसे, मैं इतनी आसानी से उसे अपने हाथों से निकलने नहीं दूंगा। ये कहाँ से टपक पड़ा? कमाल है, वो इतना दमदार होकर एक चुचंदर से डर रहा है। अरे पहलवान जी, इसे डर क्यों रहे हो? इसे हेलो हेलो बोलो। तेरी की, तुम मुझे उनसे बचाने आए थे और खुद ही फंस गए। चलो अब इन दोनों से हमारे लिए मेहमत को पकड़ने के लिए कह। हाँ, अब इनकी अकल भी ठिकाने आ जाएगी। हाँ सही कहा। चलो जाओ और अपने काम पर लग जाओ। तुम में तो बहुत दम है, तो दिखाओ अपना कमाल, जल्दी करो। मेहमत कोई बकरी का बच्चा है जो गए और पकड़ लिया। हम कहाँ फंस गए तोते चैन? मैं क्या कहूँ? चलो जल्दी करो। ऑल द बेस्ट तोते चैन, दिखा दो अपना कमाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिखा दो अपना। खींचो खींचो। शाबाश, जोर लगा के। छोड़ना मत तुमसे, छोड़ना मत, छोड़ना मत। मैंने कहा था ना, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। तोते चैन, जल्दी कुछ करो। कोशिश करता हूँ। शाबाश, क्या बात है, तुम भी जाओ। हाँ, क्या बात है तोते चैन? मेरा जवाब नहीं, हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें अकेला छोड़कर मत जाओ, छोड़ दो।
तोते चैन, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर एंट्री मारी थी, मजा आ गया। बचाओ, कोई तो मदद करो, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उसी डरने में नहीं